यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की पब्लिक इमेज क्या है? योगी के राज में माफियागिरी खत्म हो गई है, कानून तोड़ने वालों पर बाबा का बुलडोजर चलता है, आतंकियों को योगी कतई बख्शते नहीं। लेकिन योगी की पर्सनैलिटी का एक और हिस्सा है जिसका जिक्र आज पीएम मोदी ने किया, यानी यूपी के लिए योगी उपयोगी है और यही अब देश और दुनिया को पता चलने वाला है। देखिए कैसे यूपी में योगी फूंकने वाले हैं पंच प्राण, देखते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अनंत संभावनाएं छुपी हुई हैं। क्राइम कबूल नहीं, बुलडोजर बाबा, माफिया में खौफ, राम भक्त, एक शख्सियत कई नाम, यह है योगी आदित्यनाथ की पहचान। मठ के महाराज से मुख्यमंत्री तक के सफर में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो मास्टर प्लान तैयार किया है, उसने दुनिया में योगी मॉडल को सुपर डुपर हिट कर दिया है। तो हम लोगों ने तय किया है कि 2023 के जनवरी फरवरी माह में हम लोग ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश के अंदर करके 10 लाख करोड़ रुपए के नए निवेश की संभावनाओं को उत्तर प्रदेश के अंदर ला करके उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के नए कार्यक्रम के साथ हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार के साथ जोड़ने के बृहत कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम भी हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। कहते हैं राजनीति में दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, लेकिन अब योगी मॉडल और योगी मास्टर प्लान की अगली किस्त उत्तर प्रदेश को बनाने जा रही है देश की इकोनॉमिक कैपिटल, और इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने तैयार किया है प्लान पंच प्राण। योगी के पंच प्राण के मास्टर स्ट्रोक की पूरी डिटेल बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं वो पांच शहर जिनका चयन उत्तर प्रदेश को नई पहचान देने के लिए किया गया है। योगी सरकार कानपुर, लखनऊ, नोएडा, वाराणसी और प्रयागराज को अर्थव्यवस्था का पंच प्राण बनाने जा रही है। इन पांच शहरों के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने $1 trillion इकोनॉमी के टारगेट को सेट किया है। यूपी के इन पांच शहरों में मौजूद इंडस्ट्रीज और टैलेंट के दम पर योगी सरकार देश में इंटरनेशनल लेवल का एडवांस टेक्नोलॉजी हब बनाने की तैयारी शुरू कर दी है और फरवरी में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यानी GIS 2023 में इनकी ब्रांडिंग भी की जाएगी। प्लानिंग के मुताबिक योगी सरकार प्रदेश की राजधानी लखनऊ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI सिटी के तौर पर विकसित करना चाहती है। राज्य की आर्थिक राजधानी कानपुर को रोबोटिक्स एवं ड्रोन सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा। देश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की पहचान रखने वाले नोएडा को योगी सरकार IT और ITES सिटी के तौर पर विकसित करना चाहती है। वहीं पंच प्राण की लिस्ट में धर्मनगरी वाराणसी और प्रयागराज को भी शामिल किया गया है और इन दोनों शहरों को इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी ER&D के लिए तैयार किया जाएगा। सरकार अगर यूपी सरकार हमारी नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप कर रही है तो स्टेट के लिए अच्छा है, कंट्री के लिए अच्छा है। जहाँ तक पांच शहरों का आप नाम ले रहे हैं उसमें नोएडा का अगर आप लेते हैं तो नोएडा में ऑलरेडी जो है बिल्कुल इतनी स्टेज पे आ चुका है कि अब यहाँ पर जगह भी नहीं है इंडस्ट्री लगाने। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो पांच शहर चयनित किए गए हैं इनमें सबसे बड़ा तारतम्य तो यह है कि ये सारे शहर पूर्वांचल के हैं। वाराणसी हो, प्रयागराज हो, कानपुर सेंट्रल में जरूर आता है। और एक ये जो सरकार इन पांच जिलों को ले रही है इनसे एक बहुत बड़ा केवल इंडस्ट्री और विकास का हब नहीं बनेगा, यहाँ रोजगार का भी हब बनेगा क्योंकि इन सब शहरों की अपनी एक खासियत है। योगी आदित्यनाथ का एजेंडा क्लियर है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। प्रदेश में पल रहे मिथकों का रिकॉर्ड तोड़ने वाले योगी ने अपने पंच प्राण के जरिए साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने में जो आड़े आएगा उसका इलाज होगा। सीएम योगी ने यह साबित किया है कि क्यों मोदी ने कहा था कि यूपी के लिए योगी ही उपयोगी है। टीम न्यूज नेशन।
और मुख्यमंत्री बनने के बाद से योगी ने उत्तर प्रदेश में कई बड़े बड़े मिथकों को तोड़ा है और प्रोजेक्ट पंच प्राण के जरिए भी योगी आदित्यनाथ ने उस एक और बड़े मिथक को तोड़ा है जिसमें उन्हें मुस्लिम विरोधी बताने की साजिश तैयार की जाती रही। प्रोजेक्ट पंच प्राण के जरिए योगी सरकार ने जिन 5 शहरों को चुना है उसमें से 4 शहरों में राज्य की आधी से ज्यादा आबादी मुस्लिम है। आंकड़ों के मुताबिक वाराणसी में 28.82% मुस्लिम आबादी है, लखनऊ में 26.36% आबादी मुसलमानों की है, प्रयागराज में 21.94% मुसलमान रहते हैं, तो वहीं कानपुर में 19.85% आबादी मुसलमानों की है। नोएडा में मुस्लिम आबादी 8.5% है, लेकिन हकीकत यह है कि नोएडा में दिल्ली और आसपास के शहरों से बड़ी तादाद में मुस्लिम लोग कामकाज के लिए आते हैं और प्लान पंच प्राण का सीधा फायदा मुस्लिम वर्ग के हर शख्स को मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए योगी मास्टर प्लान पर क्या कहती है प्रदेश की जनता, ये आपको ये भी सुनवाते हैं। नहीं बिल्कुल अच्छी पहल है, क्योंकि जब इतना बड़ा प्रदेश है और इस पूरे प्रदेश को विकसित करना है तो कोई न कोई एक मॉडल पेश करना ही होगा, क्योंकि जब तक हम कोई एक प्रारूप सामने लेकर के नहीं आते हैं तो वो प्रारूप कितना सक्षम है, उस प्रारूप को करने में हम कितने सक्षम हैं, उनका परिणाम क्या होगा, जब तक उसका आकलन नहीं कर सकते तब तक एक बहुत बड़ी परियोजना को हम मूर्त रूप नहीं दे सकते। इससे कानपुर में विकास होगा, कानपुर पहले ही मैनचेस्टर कहलाता है, तो विकास होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से तरक्की होगी, कानपुर में तमाम सुविधाएं होंगी। पंच प्राण घोषित करने से मोदी जी और योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया, इससे हमारे प्रदेश और देश को रोजगार बढ़ेगा, विकास होगा। पंच प्राण और जो रोबोटिक और इसको घोषित करने से सरकार को जो भी मकसद है उससे आम आदमी को जो फ़ायदा होगा और बीइंग ए इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन को, क्योंकि कानपुर वैसे भी इंडस्ट्री के लिए बहुत मशहूर रहा है।